पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। इस तरह से बीजेपी ने अफवाह फैलाने का काम किया, राजनीति करने का काम किया, राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन सब फुटर देश की जनता ने नकार दिया। वो काम चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार चाहती है, किसानों के खेतों में पानी और किसानों की उपज का दोगुना दाम चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार आना जाना लगातार लगा रहता है। अगर बात करें पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा को घेरा है, कहा है कि ये लोग घबरा चुके हैं, वोट प्रतिशत कम हुआ है, इन्हें पता है इनकी पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये लोग बार बार घबराहट में बिहार आ रहे हैं। लेकिन जो बिहार की जनता है वो सब जानती है, ये लोग भी जानते हैं, जब जब बिहार अंगराई लेता है तब तब बिहार में परिवर्तन आता है, और एक बार फिर बिहार में परिवर्तन आने का समय हो गया है। तमाम मुद्दे को लेकर कैसे केंद्र सरकार को घेरते नजर आए भाई वीरेंद्र, पहले आप ये बयान सुने। नहीं, सवाल है कि देश में जिस तरह से बीजेपी ने अफवाह फैलाने का काम किया, राजनीति करने का काम किया, राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन सब वोटर देश की जनता ने नकार दिया। वो काम चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार चाहती है, किसानों के खेतों में पानी और किसानों की उपज का दोगुना दाम चाहती है, और अमन चैन चाहती है, भाईचारा चाहती है, और बीजेपी के पास वो एजेंडा है ही नहीं। इसलिए इस एजेंडे को देश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसलिए घबराहट में, चूंकि ये बिहार है और बिहार जब जब अंगराई लेता है देश में परिवर्तन होता है, ये इतिहास उन लोगों को मालूम है, चाहे 1942 का हो, 1974 का हो। इसलिए वो लोग बिहार में इसलिए डेरा डाले हुए हैं प्रधानमंत्री से गृह मंत्री, ये अब जाने वाले हैं तो अब सिमटने वाले हैं, इसलिए इस तरह का हड़बड़ी में आ रहे हैं और घबराहट में बयान दे रहे हैं। इसलिए देश की जनता काम खोजती है, देश की चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, देश की जनता का, देश की संपत्ति को ये लोग बेच रहे हैं, और बेचने वाले में मजिस्ट्रेट चेक भी पकड़े गए हैं, इसलिए छटपटाहट में बिहार का दौरा बार बार कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र सीधा निशाना पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर करते नजर आए, बड़े आरोप लगाते नजर आए, कहा ये लोग केवल देश के युवाओं को अफवाह फैलाने का काम करते हैं, देश के युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसी नहीं है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, देश की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं और केवल अफवाह फैलाना ही इनका काम है। लेकिन जो बिहार की युवा है वो सब जानती है, बिहार की युवा अपना वोट इन्हें नहीं देगी, एक बार फिर से बिहार में परिवर्तन आने का समय आ गया है। आपको बता दें भाई वीरेंद्र गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे थे केंद्र सरकार पर, अफवाह फैलाने का आरोप लगाते नजर आ रहे थे, साथ ही देश की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाते नजर आए। साथ ही कह दिया भाई वीरेंद्र ने कि इस बार बिहार में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और जो भाजपा के नेता हैं वो छटपटाहट में, घबराहट में बार बार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है वोटिंग की जो प्रतिशत है वो कम हुई है और जनता इन्हें वोट नहीं दे रही है। तमाम मुद्दों को लेकर जोरदार निशाना साधते नजर आए सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर। राजद विधायक भाई वीरेंद्र क्या कुछ कहा यह हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।